हरिहर समाया हरियाली घूमता है झुकी डालियों में, पहाड़ों सागर पे उसी के है जलता घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का सोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। इस वक्त मैं शाश्वत मिश्रा अपने एमएस न्यूज पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हालांकि आप सभी को देखने को और सुनने को भी, इससे पहले हम लोगों ने हालांकि सर से बहुत सारी बातें भी हुई और सर ने बहुत सारे इसके बारे में जो भी था सर ने पूरा डीपली बताया। सर से हम क्वेश्चन मात्र विशेष ये करेंगे कि सर ये स्वरवेद है क्या? स्वरवेद जो है जी, इस स्वरवेद का जो हमारे सदगुरु सदाफल देव जी महाराज है, जिन्होंने 17 साल तक कठोर साधना करके उस हिमालय की कंदरा में जी, और उन्होंने जो 17 साल की तपस्या में उन्होंने जो अपने अनुभव में प्राप्त किया जी, उस अनुभव को उन्होंने लिपिबद्ध किया जिस ग्रंथ का नाम है स्वरवेद। स्वरवेद एक आध्यात्मिक सद ग्रंथ है। इसमें कोई कथा कथित, कोई कहानी, कोई जीवनी, कोई उपन्यास नहीं है। इस स्वरवेद का मतलब क्या होता है? स्व प्लस वेद। स्व मतलब होता है आत्मा और वेद कहते हैं ज्ञान को। स्व का दूसरा अर्थ होता है परमात्मा। जिसके अंदर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान और विज्ञान दोनों निहित हो, उसी को हम स्वरवेद कहते हैं। जो निर्माण कार्य है काफी वर्षों से चल रहा है, तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस मंदिर में आप कुछ शिक्षा के भी कार्य होंगे, जैसे कि गुरुकुल वगैरह हमने सुनने को जहाँ तक मिला, तो सर आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जो स्वरवेद महामंदिर है, इसमें 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठ करके इसमें ध्यान साधना और मेडिटेशन कर सकते हैं, इसलिए इसके विश्व के विशालतम साधना केंद्रों में से एक कहा जाता है। ये जो स्वरवेद महामंदिर है, इसका निर्माण कार्य 2004 से कंटिन्यू वर्क चल रहा है और करीब लगभग 19 साल हो गए इस स्वरवेद महामंदिर का निर्माण कार्य चलते हुए। इसमें स्वामी जी ने जो स्वरवेद लिखा है, उस ग्रंथ के जो स्वरवेद के जो दोहे हैं, स्वामी जी ने कहा स्वरवेद में ब्रह्म विद्या दो भेद है, गुढ़ तत्व अभ्यास प्रथम बोध तत्वन करे अंतर भेद समाज। ये ब्रह्म विद्या के दो पाठ है। इस ब्रह्म विद्या के, इस अध्यात्म विद्या के, इस चेतन विज्ञान के दो पाठ है। एक पहला थ्योरी और दूसरा उन्होंने प्रैक्टिकल, उन्होंने साधना बताया। तो उस जो स्वरवेद है, जो इसकी थ्योरी है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसके जो दोहे हैं, इस महामंदिर के दीवारों पे श्वेत मकराना पत्थर पे, जापान की एक टेक्नोलॉजी है वाटर जेट मशीन के द्वारा दीवारों पे लगाया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम स्वरवेद महामंदिर धाम रखा गया है। और आने वाले समय में विश्व के विशालतम साधना केंद्रों में से एक होगा। इसमें 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठ करके ध्यान साधना कर सकेंगे और इसमें जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है, जो प्राचीन वैदिक संस्कृति रही है, वो सारी भारतीय संस्कृति को इस महामंदिर के दीवारों पे कलाकृतियों के माध्यम से इस महामंदिर में दिखाया जाएगा। और इस स्वरवेद महामंदिर अभी प्रांगण में हम लोगों का एक गुरुकुल भी चलता है। आने वाले समय में यह गुरुकुल का बड़ा ही विशाल रूप होगा, जो बड़े ही विद्यापीठ के रूप में बनेगा। और इसी स्वरवेद महामंदिर के प्रांगण में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की 135 फीट से भी ऊंची उनकी प्रतिमा लगेगी। उसका नाम स्टैचू ऑफ स्पिरिचुअलिटी होगा, अध्यात्म की प्रतिमूर्ति। तो सर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि इसे थोड़ा सा हट के बात करते हैं। जैसे कि आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और इसमें मेडिटेशन की बात होती है, ध्यान की बात होती है, अपने बारे में स्वयं को पहचान की बात होती है, तो आजकल के आधुनिक युग में क्या भूत प्रेत पे इन सब सारी चीजों पे ये स्वरवेद मानता है? देखिए, हमारे संत विज्ञान देव जी बहुत अच्छी बात कहे हैं। जो भूत है, ये भूत प्रेत जो है, ये तो हमारे 84 लाख योनि, कई प्रकार की योनियां हैं, हम लोग जानते हैं। उसमें से सर्वश्रेष्ठ योनि हमें मानव योनि को कहा गया है। लेकिन हमारे स्वामी जी ने, संत विज्ञान देव जी महाराज ने स्वरवेद कथा मत के माध्यम से उन्होंने कहा भी कि जो स्वरवेद की जो दोहे हैं, एक एक जो धर्मा ऋषि की वाणी है, वो आप्त वाणी है, साक्षात धर्मा ऋषि की वाणी है। और जिस घर में इस स्वरवेद का जो दोहे का पाठ हो, उस स्वरवेद के पढ़ने मात्र से हमारे अंदर क्या होता है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, हमारी वाणी में शुद्धता होती है, अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है, अंतःकरण पवित्र होती है। जिस एरिया में, जिस घर में हम लोग स्वरवेद महामंदिर स्वरवेद का पाठ करें, उसे क्या होगा, घर में एक आध्यात्मिक माहौल क्रिएट होता है। तो जब भी स्वरवेद का पाठ हो जाएगा, तो संतपुर विज्ञान देव जी महाराज ने भी कहा है कि जो सबसे बड़ा भूत है वो हमारे अंदर क्या है, वो सबसे बड़ा भूत हमारे अंदर जो है अहंकार का भूत है, वो ईर्ष्या का भूत है, सबसे बड़ा हमारे अंदर द्वेष का भूत है, वैमनस्य का भूत है। तो सबसे बड़ा जो भूत, वो जो हमारा भूत है, उस भूत को तो पता नहीं, किसी ने देखा चाहे नहीं, लेकिन इस स्वरवेद के पढ़ने मात्र से ये हमारी जो भूत है, वो जो भूत जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो अवश्य भाग जाता है। तो आप हमारे दर्शकों तक क्या सूचित करना चाहेंगे, क्या आदेश या निर्देश अपने जरिए पहुंचाना चाहेंगे सर? जी, हम ये चाहेंगे कि जो विहंगम योग की क्रियात्मक ध्यान साधना है, इससे हम लोग जुड़े, इससे काफी सारे बेनिफिट्स है।
हमारे विहंगम योग के ध्यान साधना पे 5 स्टेज ऑफ मेडिटेशन है। इसके विहंगम योग के प्रथम भूमि की जो साधना है मन को रोकने का विज्ञान, इस पे कई सारे साइंटिस्टों ने भी हमारे रिसर्च किए, दर्जनों साइंटिस्टों ने जो आप देख रहे हैं इसका जो बेनिफिट्स देख रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ विहंगम योगा मेडिटेशन कि हमारे अंदर फिजिकल बेनिफिट क्या होता है, मेंटल बेनिफिट क्या होता है, तो ये ध्यान साधना चाहे वो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो, और उसी के साथ यदि हम लोग इस ध्यान साधना से जुड़े तो हमें सब लोगों के लिए आवश्यक है। और इस स्वरवेद का यदि स्वाध्याय करे तो हमारी ध्यान साधना और बहुत तेजी से लगती है, स्वर उसमें हमारे बढ़ोत होती है, और स्वरवेद के पढ़ने से हमारे कई तरह का लाभ भी है हमारे अंदर। तो स्वरवेद को लेके जैसा कि आप सभी दिखा दीजिए कि काफी विशाल मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ चल रहा है, काफी वर्षों से चल रहा है, हम लोग इस रास्ते से अक्सर आया जाया करते हैं। तो इस बार जो है कि स्कूल की तरफ से हम लोगों का टूर आया था, तो हम लोग जब आए थे तो यहाँ हमने सोचा कि कई बार देखते हैं और हमने इसका नाम भी सुना है, तो एक बार जाके विजिट किया जाए, एक बार जाके इस मंदिर को देखा जाए कि आखिर स्वरवेद है क्या। तो जब हम यहाँ आए और सर से बातचीत किए और सर की बातों को हमने सुना तो इसमें ये समझ आया कि स्वरवेद एक वही ग्रंथ है, ग्रंथ एक बात, एक सूचना है, एक सोची हुई अपने आप को मानव विकास कराने की एक प्रक्रिया है। जैसा कि सर ने बताया कि एक ग्रंथ मैंने अपने भाषण में जी सिद्धांत है, स्वरवेद हमारा एक सिद्धांत है जी। और इस सिद्धांत पे स्वामी जी ने, स्वरवेद के सिद्धांत पे ही हम सब को चलने के लिए ये प्रेरित करने के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए सदगुरु सदापल देव जी महाराज ने 1924 ईस्वी में 1,00,000 वैदिक मंत्रों के द्वारा उन्होंने लक्षाहुति यज्ञ किया, और लक्षाहुति यज्ञ करके उन्होंने हम सब जीवों के कल्याण के लिए, इस ज्ञान के प्रचार के लिए, इस मानव जीवन के उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित हो उन्होंने लिए विहंगम योग संत समाज की स्थापना की। और आज भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी इस ज्ञान से लोग, आज 54 कंट्री में लोग इस ज्ञान से जुड़ चुके हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा है, कभी हालांकि मैं लास्ट क्वेश्चन में बोल चुका था पहले भी, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे में ये याद आ गया कि मैं सर से अभी बात कर रहे थे, सर की बातों को सुन रहा था, तो जो यहाँ झंडे लगाए गए हैं, फ्लैग लगाए गए हैं, इस पे ओम जैसा कि रहता है, तो अ का आखिर चिन्ह क्यों दिखाया गया, दर्शाया गया? अ एक अपने आप में जैसे हम लोग ओम है, ओम परमात्मा का वाचक नाम है, और अ उ और म के मिलने से हमारा ओम बना है जी जी। तो अ के बिना उत्पत्ति से हम लोग कोई भी वर्ड को, कोई भी शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते। अ अपने आप में इसका बहुत सारा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है और इसमें संकेत करता है। तो अ जो है हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सूचक है। जिस तरह से स्वामी जी ने कहा, हरिहर समाया हरियालियों में वही झूमता है, झुकी डालियों में पहाड़ों सागर पे उसी के है जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। हर रंग में मौजूद है पर क्यों नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। तो उस तरह से हमारा परमात्मा जो है हर शब्दों में, हर वजह में व्याप्त है, और इसी हम लोग बिना युक्ति के, बिना टेक्निक के हम लोग उसे प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी सारी जानकारियों के लिए, और सर के आप सभी ने सुनाई होगा वीडियो के माध्यम से, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि और अन्य लोगों तक जो है ये जानकारी पहुंच सके, और इस जो संस्था से इससे जो है एक बार आके जुड़े, यहाँ एक बार देखें कि किस प्रकार का कार्य चल रहा है और किस प्रकार का योग यहाँ कराया जाता है, योग और योगा में क्या अंतर है, इन सब सारी चीज़ों का अगर आपको जानना है, अपने आप को, खुद को जानना है, अपने आप को पहचानना है कि हम हैं क्या असल में, तो आप एक बार आइए और यहाँ आके इन सब सारी चीजों से वाकिफ होइए। इसके साथ मैं MS News पर शाश्वत मिश्रा आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।